जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही हुआ, मुझे पता था कहीं पर भी कुछ मिल जा रहा ना वहीं पर खड़ा हो जा रहा। अच्छू अच्छू डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है वेनसडे और अभी मॉर्निंग का 10:30 हो चुका है। अभी जस्ट नाश्ता वगैरह हमने किया है, उसके पापा तो नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे, हनी गया है स्कूल। और अक्षत देखो लगा पड़ा है गाड़ी में, ये देखो। तो आज अक्षत को हो गए हैं कितने 11 मंथ कंप्लीट, आज से उसको 12वां मंथ स्टार्ट हो चुका है। गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा, नहीं नहीं अंदर आओ। तो इसको 11वां मंथ स्टार्ट हो चुका है, और सॉरी 12वां मंथ हो चुका है, ये समझ लो ठीक एक महीने बाद इसका बर्थडे आने वाला है इसी दिन 26 को। और ये देखिए छेड़खानी करने पे लगा है, देख रहे हो आप, ये ना ऐसे में कितनी बार गिर गया है। अक्षु इसका ये मुंह देखो काफ़ी ठीक हो गया, लेकिन जहाँ पे ये काटा होगा ना वहाँ पे एक दाग सा बन गया है, तो यहाँ पे लगाए खेलने। कितनी बार ये गिर भी गया यहाँ पे से, बट डर नहीं रहा फिर। और बाहर लगी है बहुत ही ख़तरनाक वाली बारिश, अभी आपको दिखाती हूँ मौसम। तो आप देख सकते हो ये बारिश लगी हुई है बाहर, ये देखो बारिश वाली बारिश है, ज़्यादा वैसे तेज़ तो है नहीं बट है ही बारिश, ये देखो। तो इधर तो छुट्टी नहीं दे रखी है, मतलब यहाँ की डीएम ने छुट्टी नहीं दे रखी है, बट चमोली में छुट्टी है, चमोली की डीएम ने छुट्टी दे रखी है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है, इस वजह से वहाँ पे आज छुट्टी है। और अब तो मुझे लग रहा है यहाँ भी छुट्टी रात को कितना अच्छा होता है, क्योंकि बारिश में फिर बच्चे को लेने जाओ। और अक्षत आजकल बड़ा परेशान कर रहा, बट आज वो बड़ी जल्दी सो गया था तो आज उतनी दिक्कत नहीं है, आज सो ही जाएगा, मतलब स्कूल जब मैं जाऊँगी तो उस टाइम पे सो ही जाएगा। अदरवाइज हमेशा ना 10:30 पे उठ रहा था, और आप सोच सकते हो जब 10:30 पे उठ रहा है तो कौन 11 तक सब चीज़ सो पाएगा यार, तो इतने मतलब एक एक घंटे के गैप में नहीं सो पाता है अच्छा। और आज मुझे ठीक है कि आज सो जाएगा, आज दिक्कत नहीं होने वाली है, अदरवाइज जब ये सोता नहीं तो मुझे इसको अपने साथ में स्कूल लेके जाना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत होगी। एक हाथ पे बच्चा, दूसरे हाथ पे छाता, फिर एक बैग, फिर दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ के जाओ, तो बहुत दिक्कत होती है। और अब होती हूँ मैं रेडी, तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद ये होता है कि इसको सुलाना है, इसके कपड़े कुपड़े चेंज करूँगी, इसकी मालिश वगैरह करके उसको सुला दूँगी, अभी नहीं 10:45 तक। और ये देखो यहाँ पे खेलने लग गया ये, मैं रेडी हो चुकी हूँ और इसके मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, तो इसको मैं थोड़ी देर से उठा के रख रही हूँ क्योंकि अभी टाइम हुआ नहीं है इसको सुलाने का, और जितने जल्द लेट सुलाऊंगी ना तो उतने लेट थोड़ा सा उठेगा, क्योंकि 10 या 15 मिनट सोता है और आज इसको भयंकर नींद आ रही है इसलिए रोने पर लगा है। तो मैं इसके साथ वैसे वैसे बॉल खेल रही हूँ, मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है मुझे ही पता है। कहाँ गई बॉल, बॉल कहाँ गई अक्षु? तो बस इसके बाल बनाने रह गए हैं, और बाल मैंने कहा जैसे मैं इसको सुलाऊंगी ना वैसे इसके बाल बनाऊंगी। कहाँ गई बॉल, बॉल मिली नहीं। तो अभी 11:10 हो रहा है, तो 11:20 या 11:25 के करीब मैं इसके बाल वगैरह बनाऊंगी, इसको सुलाने की कोशिश करूंगी। इसके फेस पे देखो ये इतना बड़ा हो गया यहाँ पे, और देखो इसकी नींद इसकी आँखों से पता चल रहा है, ये देखो कैसे नींद आ रही है इसको। मेरी हालत, फ़ैन खुला है देखो बट तब भी पसीने आ रहे हैं क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और उमस सी हो रही है, फेस पे पसीना देखो, ये देखो कितना पसीना आ रहा है, देख रहे हो आप? ये देखो नींद इसको कहते हैं ना, जब मैं इसको सुलाती हूँ तो ये सोता ही नहीं है,
और जब इसको नींद आती है ना तो मैं मजबूर रहती हूँ, मैं इसको सुला ही नहीं पाती हूँ। तो वही होता है जब कहते हैं ना, जब इंसान को जो चीज़ मिलती है उसकी उस टाइम पे कदर नहीं होती है, तो बाद में उसी चीज़ के लिए वो करता है। और इसको आज इतनी नींद आ रही, आज भी ऐसी है, परसों भी ऐसी हुआ इसके साथ, इसको इतनी ख़तरनाक नींद आ रही थी बट मैं सुला नहीं पा रही थी इसको। रीज़न ये था कि अभी सोएगा तो तुरंत भी उठ सकता है, हाँ। और कभी मैं इसको इतना सुलाती हूँ, आधा घंटा लग जाता है मेरे को इसको सुलाते सुलाते, बट ये उस दिन सोता नहीं है, तो यही होता है। और तो मैं हनी को लेके आ गई हूँ, ये देखो, और मेरे पे पसीना देखो कितना ख़तरनाक, कितनी स्पीड से हम दौड़ दौड़ के आ रहे हैं हनी। और ये उठ के ना रोने पे लगा हुआ था, जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही हुआ, मुझे पता था ये 5-10 मिनट भी नहीं सोने वाला है। और तो ये उठ गया था और 10 या 15 मिनट सोया होगा, और हम इतनी तेज दौड़ दौड़ के आ रहे थे, पसीने पूरे सर से लेके पूरी बॉडी में, ऐसे पसीने से मैं तर रोड़ के हूँ, मैं बताया था फेस पे इतना आ रखा था, सोचो बॉडी में कितना, ये देखो। लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, देखो वेट अभी भी वैसा का वैसा ही है इतना दौड़ने की। और इसको भी ऐसी आदत पड़ गई, ये भी इतनी स्पीड से दौड़ता ना मेरे साथ, दौड़ना पड़ता है उसको भी। और थोड़ी सी लेट हमको यहाँ दुकान में लगी क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं इसको ऊपर दुकान की तरफ से लेके आए और वहाँ पे चिप्स थे, तो थोड़ी 5-10 मिनट मुझे लग रहा वहीं पे हमको लेट हो गई उस वजह से। और अच्छू यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो कपड़े चेंज करते हैं, मैं तो हालत ख़राब होगी, हालत है ना हनी। ऐसे क्या कर रहा, टिफिन खा दिया था पूरा? हाँ। कैसा लगा स्कूल में? अच्छा अच्छा लगा। चलो तब कपड़े चेंज करते हैं बच्चों के। मैं बना रही हूँ आज लौकी एंड अरहर वाली दाल, चना लौकी चना अरहर, चना अरहर इसी में है, और ये लौकी टमाटर वगैरह मैंने कट करके रखा है। मैं नॉर्मल बनाऊंगी, भून के नहीं बना रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ये देखो ये अंदर आ गया, मैंने बाहर पे रखा हुआ था, अब तो सीधे चल के आ रहा है और छेड़खानी करना शुरू कर दे रहा है। चावल मैंने रखे हैं तो फटाफट से इसको रखती हूँ, फिर जाती हूँ बाहर पे। ये देखो कहीं पर भी कुछ मिल जा रहा ना वहीं पर खड़ा हो जा रहा है अच्छू। तो ये नाइट की एक क्लिप है, और नाइट में हमने बनाई थी लौकी आलू की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बस थोड़ी सी और पकनी रह गई थी, और उसके बाद और काम करूँगी। और 9 बजने वाला 9 अभी नहीं बजा है, 10-15 मिनट अभी बाकी है। और अक्षत भी सोने लग गया था, तो मतलब परेशान करा था, तो आटा मैंने निकाल दिया है। और ये देखो इन दोनों को यहाँ पे मस्ती चल रही है, और ये मैंने आटा गूंथ के रख दिया है। अक्षत हनी को देख के हंस रहा था, और आप देख सकते ना ये सारी चीज़ें कैसे फैली हुई है। तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं इनकी, कभी इधर कभी उधर। और बस मैं हनी को कह रही थी इसको थोड़ी सी इंगेज करके रख, ताकि मैं आटा गूंथ के रख दूं उसके बाद इसका खा। तो मैं ये देख सकते हैं अब 9 बज चुका है, और मैं अपना वीडियो भी यहीं पे एंड करूंगी। मिलूंगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ठीक।